नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा अनूप शर्मा के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे राइट कलर का बटन है दबा के सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्या आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनूप शर्मा, इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी जो हुई थी 1960। अनूप शर्मा ब्रज भाषा के उत्तम कवि थे, वे धामपुर उत्तर प्रदेश में है, जो वहां पर 1940 से 1952 तक एक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। उनकी मुख्य कृति है फेरी, मिलीबो, सिद्धार्थ, वर्धमान इत्यादि। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अनूप शर्मा का जन्म 1900 में हुआ था, सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा MA और LT की परीक्षा पास की थी। उसके बाद अनूप शर्मा जी कुछ समय तक अध्यापक का काम करते रहे। अनूप शर्मा जी आकाशवाणी में भी काफी समय तक कार्य किया। अनूप शर्मा की रचनाओं में सिद्धार्थ, फेरी, मिलीबो, कुणाल, वर्धमान, सुमनांजलि, शर्वाणी प्रमुख है। सिद्धार्थ में बुद्ध के जीवन के विविध पक्षों का वर्णन है। 18 सर्गा का महाकाव्य ब्रज भाषा की प्रसिद्ध कवि की खड़ी बोली की रचना है। फेरी मिलेबो ब्रज भाषा का प्रबंध काव्य है। इसमें 75 अध्याय में श्रीमद् भागवत की कथा को मुख्य आधार बनाया गया है। वर्धमान महावीर स्वामी की चरित्र पर आधारित है। अनूप शर्मा द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे और उन्हें अपने समय के हिंदी के प्रसिद्ध देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वांजलि स्फुट कविताओं का संग्रह है और सर्वानीय आदि शक्ति दुर्गा के सभी अंगों पर 700 धनाक्षरियों का प्रबंध काव्य है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप और बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।